नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 73 व 95 को हटा दिया है। वहीं 8 दिसंबर को आयोजित पर्सियन विषय की परीक्षा में 6 प्रश्नों को हटा दिया गया है। बता दें कि पर्सियन विषय में प्रश्न संख्या 77, 84, 98, 107, 136, 148 को हटाया गया है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने यूक्रेन और मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्षों को सुलझाने में भारत के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि नई दिल्ली यानी कि भारत अमेरिका का एक प्रमुख भागीदार है और अमेरिका यूक्रेन और मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्षों को हल करने के संबंध में भारत की किसी भी तरह की भागीदारी का स्वागत करेगा। राज्य के 18.3% स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा है। इसमें सरकारी के साथ निजी स्कूल भी शामिल है। एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट से यह बातें सामने आई है। कंप्यूटर की सुविधा नहीं होने से शैक्षणिक स्तर पर भी इसका असर हो रहा है। एनसीईआरटी ने नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर स्कूलों का एक सर्वे किया है। सर्वे अक्टूबर से नवम्बर के बीच किया गया था। बिहार की बात करें तो यहां कई स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। ICSI CSEET परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। वे कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे, जिसके लिए कैंडिडेट्स को icsi.edu पर जाना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कई विषयों का औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया है। औपबंधिक उत्तर में अगर अभ्यर्थियों को किसी तरह की आपत्ति है, वे 20 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक आपत्ति पर अभ्यर्थियों को ₹500 देने होंगे। बताते चले कि आयोग ने 7 दिसंबर को प्रथम पाली में आयोजित प्रधानाध्यापक की परीक्षा का औपबंधिक उत्तर जारी किया है। वहीं दूसरी पाली में हुई 9वीं से 10वीं के संगीत व कला का औपबंधिक उत्तर जारी किया है। दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली महामारी कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 की भारत में दस्तक के बाद डर फैलने लगा है। इसका पहला मामला केरल में सामने आया, जिसके बाद राज्य में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी। केरल के पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में खासतौर पर भी सरकारें अलर्ट पर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास पटना के अंतर्गत जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केंद्र पर जल्द ही छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग शुरू की जाएगी। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र छात्राएं जो इस केंद्र पर नामांकन नहीं ले सकेंगे, उनके लिए भी कक्षा का प्रबंध किया जाएगा। दरअसल डिजिटल अध्ययन केंद्र पर चलने वाली कक्षाओं का कल्याण विभाग की ओर से संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में सीधा प्रसारण किया जाएगा। शेयर बाजार में इन दिनों शानदार रैली देखने को मिल रही है। कई कंपनियां अपना IPO भी लेकर आ रही है और अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट भी हो रही है। इसी बीच कुछ कंपनियों ने एक डिविडेंड भी जारी किया है। इसी में अनिल अग्रवाल की माइनिंग कंपनी वेदांता भी शामिल है। इसने साल 2023 में 3 बार डिविडेंड जारी किया है और अब चौथा डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। राज्य भर से 2,435 ट्रांसजेंडरों ने 9वीं में दाखिला लिया है नामांकन के लिए। इस बार स्कूलों को अलग से थर्ड जेंडर कॉलम दिया गया था। सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि नामांकन के समय इस बात का ख्याल रखें और अभिभावकों को बताएं, नामांकन लेने के जब डेटा तैयार किया गया तो पता चला कि 2,435 ट्रांसजेंडर ने दाखिला लिया है। बता दें कि ट्रांसजेंडर विद्यार्थी पहले भी दाखिला लेते थे, लेकिन कोई इसका जिक्र नामांकन के समय नहीं करते थे। लेकिन अब जब कॉलम दिया गया है तो स्कूल प्रशासन ने थर्ड जेंडर का आंकड़ा निकाला। केंद्र सरकार ने लगातार तीसरी बार कच्चे तेल और कुछ दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को लेकर समीक्षा बैठक में सरकार ने देश में उत्पादित होने वाले कच्चे तेल और डीजल पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। देश में पैदा होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को ₹5,000 प्रति टन से घटाकर ₹1,300 प्रति टन कर दिया गया है, यानी सीधा ₹3,700 प्रति टन की राहत इस अतिरिक्त टैक्स पर दी गई है। आने वाले समय में लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली परीक्षाओं में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लोक सेवा आयोगों जिसमें UPSC, राजस्थान लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग समेत सहित देश भर के 14 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक मीटिंग की गई, जिसमें परीक्षा के बाद इंटरव्यू को लेकर और बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर गहन मंथन किया गया। सर्दियों में अगर आप पर्यटन या धार्मिक स्थल घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि जाए तो कहां जाए, क्योंकि अभी तक टिकट और ठहरने के लिए होटल बुक नहीं हो पाया है, ऐसे लोगों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एक से बढ़कर एक धांसू प्लान लेकर आया है। इसमें सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा प्लान दोनों उपलब्ध है। आप IRCTC साइट https://www.irctctourism.com/ पर जाकर अपना मनपसंद डेस्टिनेशन बुक कर सकते हैं।
संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इस दौरान सरकार ने 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम सहित तीन कानूनों की जगह लेने वाले दूरसंचार विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक लागू होने पर सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम सेवा से जुड़े उपकरणों को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा। विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित के खिलाफ काम करने, अवैध फोन टैपिंग, अनधिकृत डाटा स्थानांतरण या दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच की कोशिश पर 3 साल तक की कारावास की सजा या 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में रेड्डी ने कहा कि इस वर्ष अक्टूबर तक 72.4 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आ चुके हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 1.05 करोड़, 2019 में 1.09 करोड़, 2020 में 27.4 लाख, 2021 में 15.2 लाख और 2022 में 64.4 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए थे। रेड्डी ने यह भी बताया कि केंद्रीय खान मंत्रालय ने पूर्ववर्ती भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के बुनियादी ढांचे को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय के समक्ष रखा है। भारत ने प्रवासियों से धन पाने में इस साल भी दुनिया में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने देश में अनुमानित 125 अरब डॉलर की रकम भेजी है। विश्व बैंक की प्रवासन एवं विकास रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के श्रम बाजार में सख्ती और यूरोप में रोजगार वृद्धि की वजह से प्रवासियों ने भारत में अनुमान से भी अधिक धन भेजा है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक 20.66% बढ़कर 13.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 1,35,754 करोड़ रुपए रहा था। आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि 17 दिसंबर 2023 तक 13,70,388 करोड़ रुपए के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कॉरपोरेट कर की हिस्सेदारी 6.95 लाख करोड़ रुपए रही है। वहीं 6.73 लाख करोड़ रुपए व्यक्तिगत आयकर से मिले हैं। इसमें प्रतिभूति लेन देन कर भी शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा भारत दक्षिण एशिया में वाहनों को कबाड़ में बदलने का केंद्र बन सकता है। इसके लिए देश में वाहनों को कबाड़ में बदलने वाले 1000 केंद्रों और 400 स्वचालित फिटनेस जांच केंद्रों की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने वाहनों की उपयोगिता अवधि का प्रमाण पत्र जमा करने वाले मंच DGELV की शुरुआत करते हुए कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब तक देश भर में 85 वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। इन केंद्रों की संख्या में अब तेजी से बढ़ोतरी की जरूरत है। पूरी दुनिया एक तरफ आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है, मगर भारत का विकास दर बढ़ रहा है। यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रिगर के रूप में देख रहा है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। इकरा ने भारत का वृद्धि दर 6.2 से बढ़कर 6.5 कर दिया है। हालांकि इकरा का संशोधित अनुमान भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7% वृद्धि के रिजर्व बैंक के संशोधित अनुमान से कम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों पर चर्चा करने के उद्देश्य से उनकी अगली सप्ताह रूस जाने की उम्मीद है। मॉस्को में जयशंकर का अपने रूसी समकक्ष सरगई लावरो के साथ व्यापक विचार विमर्श करने का कार्यक्रम है। उम्मीद है कि रूसी पक्ष विदेश मंत्री को यूक्रेन संघर्ष और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी देगा। उनकी यात्रा 25 दिसंबर के आसपास शुरू हो सकती है। पाकिस्तान उच्चायोग ने सोमवार को कहा कि उसने पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में श्री कटास राज मंदिर की यात्रा के लिए भारत के 62 हिंदू तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किए हैं। धार्मिक स्थलों की यात्रा पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के प्रावधान के तहत भारत से सिख और हिंदू तीर्थयात्री हर साल पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। पाकिस्तानी तीर्थयात्री भी प्रोटोकॉल के तहत हर साल भारत आते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले पर जारी सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अहम टिप्पणी की है। संसद की सुरक्षा चूक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि लगता है संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने कहा कि संसद में विपक्ष के सांसदों का व्यवहार बहुत दुखी करने वाला है। अपने जमाने के दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि मुंबई इंडियंस के नवनियुक्त कप्तान हार्दिक पांड्या इस टीम में नई सोच लेकर आएंगे, क्योंकि रोहित थके हुए नजर आ रहे थे और पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने बल्लेबाजी में पर्याप्त योगदान नहीं दिया। गावस्कर ने कहा कि ऐसा रोहित के थके हुए होने के कारण हो सकता है, क्योंकि वह लगातार सिर्फ IPL टीम ही नहीं बल्कि भारत के कप्तान की भूमिका भी निभा रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से पास होने वाले स्टूडेंट्स को अब खास तरह की डिग्री दी जाएगी। यह डिग्री इतनी खास होगी कि यह पानी से भी खराब होने वाली नहीं है। इस वाटरप्रूफ डिग्री में कुल 21 तरह के सुरक्षा उपाय किए गए हैं। स्टूडेंट को यह डिग्रियां दिल्ली विश्वविद्यालय के 100वें दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी। खास बात यह है कि इस डिग्री की नकल भी नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही छात्र का रंगीन फोटो डिग्री पर लगा होगा और उसकी माँ का नाम भी डिग्री पर लिखा होगा। क्या आप जानते हैं कि भूकंप से बचाने के लिए गूगल भी एक शानदार फीचर ऑफर करता है। कुछ समय पहले गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इसे भारत में भी लॉन्च किया है, जो भूकंप आने पर आपके फोन पर पहले ही अलर्ट भेज देता है। यह सिस्टम भूकंप को महसूस करने के लिए डिवाइस के कुछ सेंसर का इस्तेमाल करता है। यह जबरदस्त फीचर दुनिया भर के कई देशों में पहले से ही मौजूद है, लेकिन हाल ही में गूगल ने इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के परामर्श से भारत में भी पेश किया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर में सहयोग से JEE, NEET और विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए साथी पोर्टल शुरू किया है। इसमें अभी तक 60,000 से अधिक छात्र अपना पंजीकरण करा चुके हैं। छात्रों की सहायता के लिए JEE जैसी परीक्षाओं को देखते हुए 45 दिनों का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से विकास कर रही है। इस विकास में भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों का भी बड़ा योगदान है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों से धन पाने के मामले में इस साल भी भारत टॉप पर बरकरार है। रिपोर्ट के अनुसार भारत से बाहर रहने वाले करीब 3 करोड़ भारतीयों ने इस साल अपने देश में $125 अरब भेजा है। इस मामले में दूसरे देशों से भारत काफी आगे है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको है। नवोदय विद्यालय में होने वाली क्लास 6 एडमिशन प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने नवोदय विद्यालय में होने वाली क्लास 6 एडमिशन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर 2023 को रात 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल की एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जो छात्रों को सरकार, मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। दुनिया में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। भारत में रविवार को कोविड के 300 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं संक्रमण के चलते 5 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को देश में कोरोना संक्रमण के 260 नए मामले सामने आए। हाल ही में सामने आया कोरोना का नया वेरिएंट भी चिंता का विषय बना हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि JN1 स्ट्रेन पहले के वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भारत में केरल से JN1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू भारत को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा, वहीं उसके समर्थक आए दिन भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर सिख फॉर जस्टिस के सदस्य दर्जनों खालिस्तान समर्थकों ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, नौशद राजा, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर की सुविधा है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।